स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां पर सीएम भूपेश बघेल सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं बलंग होने के नाते नहीं, बल्कि जो हमारे कृषि उत्पादक है, जो हैंडलूम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लघु वनोपज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो उत्पादक हैं छत्तीसगढ़ के, उनके तरफ से भी मैं सभी हमारे विदेशी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, हमारे छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन मेजबानी करने का अवसर मिला। रायपुर न केवल छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यह छत्तीसगढ़ गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन और वन औषधि का भी राजधानी है। और इस प्रदेश में अनेक प्रकार के उत्पाद होते हैं। हमारे मेहनत कर किसान न केवल धान का उत्पादन करते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार की फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। हमारे प्रदेश में 43% भूभाग वन से आच्छादित है, और इसमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिसके हमारे जंगलों में रहने वाले लोग संग्रहण करते हैं। वन औषधि भी बहुत है, यहाँ परंपरागत रूप से प्राचीन तरीके से जो खेती किसानी हम लोग कर रहे थे, जिसमें कोदो है, कुटकी है, सावा है, राई है, टाऊ है, इसके भी उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत आयात रूप में की जाती है। लेकिन धीरे धीरे इस तरह के कृषि से लोगों का मोह भंग हो रहा था, कारण उस उत्पाद का कीमत नहीं मिल पा रहा। एक तरफ हमारे किसानों को उसके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा था, और दूसरे तरफ जो उपभोक्ता है उसे महंगे दर पे सामग्रियां मिल रही थी। आज छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग ने एक प्रयास किया, हम उत्पादक और ग्राहक दोनों के बीच में मेल करा दें, मिडिल मैन को हटा दें, ताकि उत्पादक को सही कीमत मिल सके और जो उपभोक्ता है उसको भी सही दाम के सामग्री मिल सके। ये प्रयास, और इसके लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और यही तक हम लोग नहीं रुके हैं, बल्कि हम लोग जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि विभिन्न देश के आए हुए हमारे प्रतिनिधि की आवश्यकता क्या है। यदि उनकी आवश्यकता और अधिक है तो हम अपने किसानों से कहेंगे कि इसको उत्पादन और बढ़ाएं, क्वालिटी पे ध्यान दें, जिस क्वालिटी पर हमें भी चाहिए उस ओर हम लोग ध्यान दें। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत कर्मठ हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं, और सही चीज आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि छत्तीसगढ़ नाम देश विदेश में भी जाए और यहाँ के उत्पाद का लाभ पूरी दुनिया उठा सके। आदरणीय साथियों, जब मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को मेहनत कर के बारे में कहता हूँ, ईमानदारी के बारे में कहता हूँ, उसके उदाहरण के लिए एक लाइन में आपको कहना चाहूंगा,
हमारे पास भिलाई स्टील प्लांट है, नेहरू जी ने जब से उसकी शुरुआत की है आज वो तारीख है जिसमें उसका उत्पादन बंद नहीं हुआ है। तो आप के अपेक्षाओं में छत्तीसगढ़ के लोग खड़े उतरेंगे और इस दिशा में आज ये पहला प्रयास बहुत सारे एनजीओ हुए हैं। हमारे यहाँ केवल अनाज उत्पादन नहीं होता, हमारे यहाँ लघु वनों से उपज नहीं होता, हमारे यहाँ वनौषधि नहीं होता, हमारे यहाँ भोजन के भी उत्पादन होता है जो पूरी दुनिया में उसकी लोकप्रियता है। आज उसके रिव्यू भी हुए हैं, आप यहाँ के तथा दुष्ट है उसको भी देखे हैं, हैंडलूम भी बहुत सुंदर क्वालिटी के यहाँ बनते हैं। तो हर प्रकार से काम है छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उसका लाभ पूरा दुनिया उठाए, देश से दुनिया तक दूसरे भाग के लोग भी इसका लाभ उठा सके, ये हमारी कोशिश है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा हम अपने किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं आप खासकर जो हमारे विदेश के मेहमान आए उसे मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार है जो समर्थन के लिए भारत सरकार ने घोषित किया है 1750 रुपए और बढ़ाए हैं, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को किसानों के धान 2500 रुपए तेंदू पत्तर हम देश में सर्वाधिक 4000 प्रति मानक बोरा प्रति को खरीद रहे हैं, लघु पर समर्थन मूल्य खरीद रहे हैं। हम अपने किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करना चाहते हैं, उसकी मेहनत की मेहनत को सम्मानित करना चाहते हैं। और ये जो आज जो सम्मेलन हो रहा है उसका भी उद्देश्य यही है कि हम अपने किसानों को जंगल लगाने वाले हमारे मासी भाई बहनों को जो मेहनत कर रहे हैं उसकी सही कीमत मिल सके और जो उत्पाद है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके। आदरणीय साथियों, हमने छत्तीसगढ़ में एक और कार्यक्रम की शुरुआत की है, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा गुरुआ वाली जिला बचाना है। जब इस शब्द में छत्तीसगढ़ के बाहर प्रयोग करता हूँ तो लोग कहते हैं ये नरवा क्या है, गरवा क्या है, गुरुआ क्या है और भारत क्या है। विदेश से मेहमान आए उसके लिए बिल्कुल ही नया शब्द है, हमारे प्रदेश के बाहर जब नया है तो फिर देश के बाहर तो बिल्कुल ही नया होगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 30,000 नाले हैं, 285 नदियां हैं, 85 बारह महीने बहने वाली नदियां हैं और इसके संरक्षण करने का आवश्यकता है। आज पूरे दुनिया इस मामले में जो जलवायु परिवर्तन है उसके मामले में चिंतित है। हम ये जल संग्रहण करके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे बचाने के और पानी संरक्षित करना चाहते हैं ताकि हमारे लोगों को न पेयजल के लिए, न विस्तार के लिए, न सिंचाई के लिए, न उद्योग के लिए कभी पानी की छत्तीसगढ़ में कमी हो और इस दिशा में हम लोगों ने काम शुरुआत की है। हमारे जो गरबा है, जो मवेशी है, जो पशुधन है उसकी सुरक्षा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और उससे जब हम लोग एक जगह रखेंगे गोबर होगा, गोबर से हम खाद बनाएंगे, वर्मी खाद बनाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ जैविक खेती की ओर बढ़ सके। और आज जो अनाज में फल में सब्जी में जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के कारण से अनेक प्रकार की जो बीमारियां हो रही है उससे बचे पूरी दुनिया से चिंतित है, उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल की है। अभी हम लोग लगभग 2000 गौठान का निर्माण कर लिया है और पूरे प्रत्येक गांव में इसे बनाने का हमारा लक्ष्य है। 5 वर्षों में तो हम इसको पूरा करेंगे ताकि किसानों को उत्पादन लागत में कमी आए और साथ ही साथ जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उसको जैविक खेती के द्वारा उत्पादित अनाज फल सब्जी सब मिल सके, ये हमारी कोशिश है। और इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ शुरू किया जाए, यहाँ कार्गो हम बनाया जाए ताकि यहाँ के फल सब्जी और वनौषधि यहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसको हम दुनिया
दुनिया के विभिन्न देशों में भेज सकें, यह हमारी कोशिश है। मैं इन शब्दों के साथ पुनः आप सबको छत्तीसगढ़ में पधारने का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय और सीधी तस्वीरें आपको दिखाई छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता कार्यक्रम को संबोधित किया। चलिए बड़े ही खबर की ओर जाते। चित्रकूट में आतंकी पर्याय रहे डकैत बब्बी।